यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिहार के चंपारण में पुलिस महानिदेशक ने आपराधिक घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में पूर्वी चंपारण, बेतिया और बगहा के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि चंपारण में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है और अपराध को नियंत्रण करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के दौरान आपराधिक क्षेत्रों को चिन्हित भी किया जाएगा। तो चंपारण की यह घटना है जहां पर अपराध में कमी आई है, ये डीजीपी का कहना है। आपराधिक गतिविधियों को लेकर बैठक हुई है और किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जाए इसके बारे में बैठक की गई और यहां पर समीक्षा की गई। और यहां पर डीजीपी ने कहा है कि चंपारण में अब अपराध में बड़ी कमी आई है और आपराधिक गतिविधियों को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई और किस तरह से अपराधों पर नकेल कसी जाए, किस तरह से अपराधों को कंट्रोल किया जाए, उनके आंकड़ों को कम किया जाए, यहाँ पर बैठक हुई।